वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो वैगनआर LXi में आज जो ZXi का कलर लॉन्च हुआ है ऑटम ऑरेंज, फर्स्ट टाइम चैनल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्रोमिंग से। द ओरिजिनल ग्रिल क्रोमिंग हैज बीन डन, जैसे जो टॉप एंड मॉडल ZXi का डिज़ाइन है। पियानो ब्लैक किट ऑटम ऑरेंज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। ऑरेंज एंड ब्लैक का थीम वंस अगेन इसके अंदर हम लोग ने दिया है, द पियानो ब्लैक थीम, द बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स इन द ब्लैक, एंड मैं बात करूंगा आपसे फ्रंट एंड बम्पर डिफ्यूजर की। सो दिस इज द बॉडी किट जो हम लोग ने उसके अंदर लगाई है। दिस कम्स विद अ वैगनआर बैजिंग एंड जो कंपनी फिटेड डिज़ाइन है वो भी हम लोग नेक्स्ट कार में देखेंगे। सो फ्रंट बॉडी डिफ्यूजर, द पियानो ब्लैक थीम, द पियानो ब्लैक मिरर्स, साइड डोर क्लैडिंग लगाई हुई है ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में। जो रिम्स थे गाड़ी के सिल्वर कलर में थे, बट एक जो ZXi में फील है चारों टायर अंदर से ब्लैक आते हैं, तो रिम्स को ब्लैक कोट किया है एंड उसके व्हील कैप्स वंस अगेन इन द ब्लैक डिज़ाइन लगाए हुए हैं जो एक अलॉय व्हील को टोटली स्टिम्युलेट कर रहे हैं। टायर के ऊपर की क्लैडिंग हम लोग देख सकते हैं, जैसे शोरूम का टॉप मॉडल का कंपनी फिटेड डिज़ाइन भी आगे गाड़ी में हम लोग देखेंगे। एंड ये डिज़ाइन आप देखिए, दोनों सेम टू सेम है, बट इसकी वंस अगेन फिनिशिंग वगैरह और स्लीक, एंड जो इसकी क्वालिटी है इट इज़ 100% ABS, एंटी ब्रेकेबल मटीरियल जो इसको बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन द हैंडल्स विद द मारुति सुजुकी बैजिंग उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है एंड क्या है। स्पॉइलर लगाया हुआ है स्पोर्ट्स कट में, रेगुलर स्पॉइलर नहीं है जो हम लोग देखते हैं, इट इज़ स्पोर्ट्स कट स्पॉइलर जो हम लोग बोलते हैं उसको। तो स्पोर्ट्स स्पॉइलर के साथ जो एक हल्का सा एलिवेटेड लुक में आता है, वी कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द कार। तो स्पोर्ट्स कट स्पॉइलर, द पियानो ब्लैक कोटिंग ऑन द टेल लाइट विथ द डब्लू फॉर्मेशन जो इसके अंदर यहाँ पे होती है, दिस इज द स्पेशलिटी। द रियर यू रिंग क्रोम, एंड वंस अगेन द स्पेशलिटी इज इन द रियर डिफ्यूज़र जो डबल एग्जॉस्ट के साथ आता है, वेलकम कंपनी का आता है। इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग हम लोग देख सकते हैं। सो ओनली एक्सटीरियर वर्क किया है, एक बजट के हिसाब से सर ने काम किया है। नेक्स्ट टाइम इंटीरियर में भी सीट कवर्स कंपनी फिटेड हैं, आर्मरेस्ट लगाया है एंड फ्लोरिंग का लैमिनेशन किया है। स्टेयरिंग कवर में आप लोग को बोलूँगा, ये वाला कवर आप देखिए, ये मारुति सुजुकी से बाय डिफ़ॉल्ट फिटेड है। एंड फाइनली आते हैं वाइट कार पे, जिसमें हमने स्टेयरिंग कवर लगाया हुआ है। मैं बात करूँगा आप लोग से स्टेयरिंग कवर की। स्टेयरिंग कवर हैज़ बीन स्टिच्ड ऑफ द टॉप गियर ब्रांड विथ अ एक्स्ट्रा कुशनिंग हमने पहले स्टेयरिंग को की है, एंड एक एक स्टिच की, एक एक एच की फिनिशिंग देख सकते हैं कि कैसा है एंड क्या है। इंट्रोड्यूसिंग द चेरी कलर इन द वैगनआर, सो गाड़ी का कलर वाइट है बट द सीट कवर हैज़ बीन डन इन ब्लैक एंड अ चेरी पाइपिंग विद अ चेरी स्टिच वर्क के साथ इसको हम लोग ने किया हुआ है। फ्रंट आर्मरेस्ट विद अ स्टोरेज पर्पस के साथ है। फ्लोरिंग लैमिनेशन हैज़ बीन डन जो नीचे 4D ब्रांड का हम लोग देख सकते हैं। द LXi मॉडल, वंस अगेन मैं बोलूँगा LXi मॉडल है, जो ये पावर विंडोज़ के पैनल हम लोग ने उसके अंदर किए हैं विद अ वुडन गार्निशिंग के साथ है, एंड रियर पावर विंडो भी लगाई हुई है जो आगे से कंट्रोल हो रही है। मिरर का सर का बजट नहीं था, बट मैं नेक्स्ट टाइम मिरर भी इसी स्विच के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या है। सो जस्ट सी द इंटीरियर स्टाइलिंग किट, द सीट कवर्स, द फ्रंट आर्मरेस्ट, द स्टेयरिंग व्हील कवर, द गियर कंसोल नीचे का जो है कंप्लीटली वुडन इसके अंदर किया हुआ है। एंड वंस अगेन द एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम हैज़ बीन डन इन दिस कार विथ 4 स्पीकर्स ऑफ द JBL ब्रांड। पुरानी गाड़ियों में हम लोग ने देखा हुआ है कैसा साउंड इफेक्ट है, क्या है, JBL के स्पीकर्स लगाए हुए हैं। द साउंड एश्योरेंस इज टोटली अमेजिंग एंड नंबर वन। मैं बात करूँगा आप लोग से रिवर्स कैमरे की। वंस अगेन ब्लॉपंग का रिवर्स कैमरा लगाया हुआ है, क्लैरिटी लेवल फिनिशिंग देख सकते हैं कि क्या है एंड क्या नहीं है। एक्सटीरियर लुक में आते हैं, बाहर से क्रोमिंग हैज़ बीन डन इन द कार, विंडो लोअर क्रोम, द हैंडल क्रोम, द मिरर क्रोम, एंड वंस अगेन द ओरिजिनल ग्रिल की क्रोमिंग के साथ फॉग लाइट्स जो लगाई हुई है वंस अगेन इन द ड्यूअल मोड। हेडलाइट जैसे ही आप ऑन करेंगे, सो दिस इज़ द येलो लाइट जो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, एंड टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, दिस इज़ द वाइट लाइट मोड, वंस अगेन येलो। फॉग में आप चल रहे हो येलो लाइट है, सिटी में चल रहे हो वाइट लाइट है, उस हिसाब से कंप्लीट लुक है। सो द स्विचिंग मोड
व्हाइट लाइट, येलो लाइट, फॉग लाइट कॉन्सेप्ट एंड वंस अगेन रियर लुक में बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स के साथ हम लोग देख सकते हैं। फाइनली कमिंग टू द वैगनआर VXi मॉडल आज जो आई हुई है, द DRLs का लुक हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है, क्या है। बाकी दोनों गाड़ियों में DRLs नहीं लगाई हुई है, बट वंस अगेन इंट्रोड्यूसिंग द मैग्मा ग्रे गाड़ी के ऊपर जो DRL का लुक है विद अ टर्न लाइट मोड। मिरर्स में इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, तो किसी VXi वाले कस्टमर को टॉप मॉडल के जैसा लाइट लगवानी हो वो भी एक ऑप्शन है। सो दिस इज द स्पोर्ट्स किट जो कंपनी दे रही है, बेसिक मोल्डिंग दे रही है कंपनी आज भी, जो 8-10 साल पहले आती थी वैगनआर में। तो इसकी जगह पे बाहर आफ्टर मार्केट आपको क्लैडिंग का ऑप्शन है एंड रियर डिफ्यूजर में ये एग्जॉस्ट नहीं दे रही है कंपनी। रिफ्लेक्टर लाइट्स हैव बीन डन इन दिस कार जो ब्रेक मारते हैं। द रियर स्कफ प्लेट हैज बीन डन इन दिस कार। द रियर टेल लाइट की DRLs लगाई हुई है, टॉप ऑफ द लाइन, नंबर वन एंड अमेजिंग। एंड विंडो क्रोमिंग हैज बीन डन। द इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स लगाई हुई है वैगनआर नाम एंड इल्यूमिनेशन के साथ। एंड जो वीडियो बनाने का पर्पस है, वंस अगेन द इंजेक्शन मोल्डिंग मैट्स हैव बीन डन इन दिस कार। मैट्स लगी हुई थी सर की, बट उन्होंने वीडियो में देखा था इंजेक्शन मोल्डिंग बारिश के टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ है, पानी वगैरह जो भी इसके अंदर आपका रहेगा, कोई वो ग्रास और हनीकॉम बिल्कुल भी नहीं है, बारिश के लिए स्पेशली इंजेक्शन मोल्डिंग मैट्स लगाई हुई है। कंपनी का लेमिनेशन हम लोग देख सकते हैं। सो दीज आर द सेवरल जॉइंट्स जो कंपनी जैसे ये देती है। देखिए ये कंप्लीट इज अ जॉइंट सिस्टम, तो उसके हिसाब से पूरी बात है। आर्मरेस्ट हैज बीन डन इन दिस कार इन द बेज कलर एंड बाकी शोरूम से फिटेड कंपनी का कवर है। द इंटीरियर स्टाइलिंग किट इन द VXi मॉडल, वी कैन डेफिनेटली सी द लुक ऑफ द कार कैसा क्या आ रहा है। ऑन द पावर विंडो कंसोल, द गियर कंसोल एंड द लेफ्ट साइड पावर विंडो के साथ, वंस अगेन एक रेगुलर स्पॉइलर, रियर स्पॉइलर, ये भी अच्छा है, बट स्पोर्ट्स स्पेशली ऑटम ऑरेंज कलर के लिए लॉन्च किया गया है। सो दिस इज द फाइनल रिव्यू ऑफ व्हाट द ऑल द थ्री कार्स। ऑटम ऑरेंज के अंदर बात करें तो कंप्लीट एस्टिमेट 25,000 रुपीज़ में स्पेंड हुआ है। सो लेटेस्ट वैगनआर ऑल द थ्री कलर्स, द न्यू ऑटम ऑरेंज इन द LXi, द LXi इन द वाइट एंड जो फाइनली मैग्मा ग्रे इन द VXi। तीनों गाड़ियों का जो शूट हम लोग ने देखा है, वी ऑल्सो हैव द ओनर ऑफ ऑल द थ्री कार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ऑटम ऑरेंज, जो LXi मॉडल में ZXi मॉडल का कलर लॉन्च हुआ है। सर हमारे साथ है, सर का हम वेलकम करेंगे शॉप पे। सर आज फर्स्ट रिकॉर्डिंग है वैगनआर के हमारे स्टूडियो में, कैसा लग रहा है जो ऑटम ऑरेंज के ऊपर जो हमने ब्लैक का कॉन्सेप्ट किया है, कैसा लग रहा है और क्या बोलेंगे कि वर्क प्लेस कैसी है एंड क्या फीडबैक आप सर आपसे क्या जानेंगे? अभी लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बराबर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी जो भी सजेस्ट किया था भाई ने वो ही हमने किया है, बराबर, तो सब अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। आज एक्सटीरियर किया है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम इंटीरियर के लिए भी जरूर आएंगे। ओके सर, थैंक यू। एंड सेकेंडली आते हैं व्हाइट LXi में, जो हमने वंस अगेन म्यूजिक सिस्टम विद द 4 स्पीकर्स JBL एंड कंप्लीट मेकओवर फॉग लाइट्स के साथ देखा है। जावेद जी हमारे साथ हैं, कार के ओनर, जावेद जी का भी हम वेलकम करेंगे। फर्स्ट कार है इनकी, एक बोलते हैं कि यार इंसान की अगर पहली गाड़ी होती है तो वो वैगनआर से ही स्टार्ट होती है। तो जावेद जी आप बताइए कि कैसी लग रही है गाड़ी और क्या लग रही है? जिस तरीके से आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को बनाया ना, बराबर अच्छा लग रहा है सब कुछ। एंड फाइनली जो म्यूजिक सिस्टम की साउंड आउटपुट क्या है? साउंड आउटपुट जो बेस है JBL का वो सारा चीज अच्छा लगा मुझे, और जो स्टीयरिंग व्हील पे जो स्टिचिंग किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, और जो सीट कवर लगाया गया वो भी एकदम टॉप नॉच है। उनके फ्रेंड है, आपसे भी सर हम जानेंगे कैसी लग रही है गाड़ी अपनी। सुपर लग रही है, जो भी किया है बहुत लाजवाब, और एक दो चीज आपको दी भी है दोस्ती आ रही है। ठीक है सर, बाकी के लिए आनी चाहिए गाड़ी। ओके सर, थैंक यू। एंड फाइनली वी हैव द ओनर ऑफ द मैग्मा ग्रे कार, VXi मॉडल है, लिमिटेड चीज़ें लगाई है, आधा काम शोरूम से किया हुआ जेपन अपन लाइटिंग का काम के लिए लाए, कसा वाटतो है? एकदम भारी चांगला काम केला आहे,
हैंडसम यूट्यूब का फैन है, यूट्यूब पर वीडियो बघून बघून मिळतं आलं यांच्या करे काम मस्त झालं, एकदम मस्त काम झालं, चांगलं वर्क प्लेस कशी आहे, एकदम छान, एकदम मस्त, एकदम भारी. ओके सर, दिस इज द फाइनल रिव्यू ऑफ ऑल द थ्री कार्स. ऑटम ऑरेंज में बात करें तो कंप्लीट एस्टिमेट एक 25,000 रुपीज़ का स्पेंड हुआ है. व्हाइट कार में बात करें तो कंप्लीट एस्टिमेट 40,000 रुपीज़ का स्पेंड हुआ है. एंड मैग्मा ग्रे में बात करें तो 15,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज हम लोग ने देखी है, आधा काम कंपनी से किया हुआ था. सो दिस इज़ अ न्यू वर्कशॉप. आगे वाले टाइम में काफ़ी गाड़ियों का शूट्स इसके अंदर हम लोग देखेंगे. एज कस्टमर लॉन्च की फैसिलिटी वगैरह है, आपको मैं टूर भी दूंगा थोड़े ही दिनों में. बट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग एंड थैंक यू.